अच्छा मुझे एक बात बताओ जानू, तुम मेरे पापा को इम्प्रेस तो कर लोगे ना? थारा बाप करता क्या? वो पुलिस में है। हवलदार है क्या? हाँ, पुलिस कमिश्नर। That's right. Food, water, and air. Let's start with air. कैसे हो बेटा? बहुत handsome हूँ। ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार आए हो ना इसलिए। पहली और आखिरी बार। ए, बंटी। गली बॉय। क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल? Of course क्रिकेट। काई को? क्योंकि क्रिकेटर से हीरोइन शादी करती है। क्या रे हाथ साफ कर रहे? केशव। अरे मेरे बापू आ गए। मैंने बताया वो काम कर रहा है। ओके सर। लगू अंकल। अंकल आपने मुझे प्रिया के साथ देखा था ना? काम क्या करते हो जिंदगी में? मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सब कुछ कर लेता हूँ। मतलब गणपति का पंडाल बांधना, डांडिया के लिए लकड़ियां लाकर देना, एवरीथिंग। तो खाली टाइम में क्या करते हो? मैं खाली टाइम में ही तो ये सब करता हूँ अंकल, फिर अगर वक्त मिल जाए तो पिक्चरें देखता हूँ। सिनेमा देखते हो? Only and only English picture, वो भी सिर्फ हिंदी में डब की हुई। महा दबंग कैप्टन अमेरिका, मकड़ी मानव स्पाइडरमैन, डूबती नहीं है, टाइटैनिक 10 बार देखी। मैं कमिश्नर हूँ, इसके लिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता है क्या? कमिश्नर की बेटी का दिल नहीं होता है क्या? वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है क्या? किसी को अपना पति नहीं बना सकती है क्या? हेलो, मेरे कारतूस से ही मरेगा वो। अगर मेरी बात नहीं मानी ना उसने तो गोली मार के वाघा बॉर्डर के उस तरफ फेंक दूंगा उसको। ब्रेड पे मस्का या जाम? मलाई मार के तो लेना। उसके पहले बर्थडे पे हाथी का पिल्लू दिया था। मैं बेटी को बहुत प्यार करता हूं। मैं भी। उसके खातिर तू किसी को मार सकता है क्या? मार तो नहीं सकता सर, पर अपनी खुद की पर्सनल जान दे सकता हूं। ये अच्छी वाट लगली। राजा क्या हुआ? राजा क्या बात है, पोपट हो गया? कुछ समझे अंकल, प्यार भी एक बीमारी की तरह है। पहले आपकी बेटी मुझसे करने लगी और अब आप भी मुझसे करने लगे हैं। इसीलिए तो जब मैंने खुद पे वार किया तो वार आपने झेल लिया। अरे यार तुम भी? माइकल तो मेरी जान है। वाह, मेरे को अच्छा लगा। तो बात पक्की। ए, माइकल जयंती है, जय जैक्सन। अरे मैं तो शाहरुख खान बोलिए। खान हो या अंसारी क्या फर्क पड़ता है, लो इसे गाड़ी में रख दो। हाँ हाँ ठीक है। अब दाढ़ी बना के जाइए ना। अरे आजकल दाढ़ी का फैशन है। सच कहूँ तो आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब आपने प्रिया की शादी उस पागल से तय की थी ना, मैं तो डर ही गई थी। राजा के साथ प्रिया की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आई। जैसा तुमने बोला है ना वैसा मैंने पूजा पाठ किया, लेकिन प्रिया की शादी जिससे मैं बोलता हूं उससे होगी। तो खाना पका। ए राजा को बोल फार्म हाउस पे आ जाना। ओके सर। राजा नाम मेरा, रातों का राजा। लगता है बेटी की शादी के लिए यहाँ पर खजाना छुपा के रखा है।
इसके मजदूर नहीं आए तो मारे को बुला लिया क्या? अरे राजा, कानून जो हरे हरे नोट लेता था आज हरे हरे पेड़ लगा रहा है। ये मीडिया वाले ऐसे वक्त पे नहीं आते। लाइए आप वीडियो बनाइए। अरे राजा मैं करता हूं ना, साथ ही साथ एक गाना भी गाता हूं, वो था ना धरती हमारी माता है। आगे कुछ नहीं आता। फोन निकालिए, एचडी में लेना। मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा ही होने वाला है। आज के दिन मुझे चिकन खिला दिया तूने, मरना पड़ेगा। राजा तू अंदर जाके बैठ, मैं अभी आता हूँ। थारे बापू ने मारे को फार्म हाउस पे बुलाया। किस लिए? यही तो नहीं पता। पापा तुम्हारे प्यार का लेवल चेक करना चाहते हैं। अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो तुम्हारा खून खोलता है कि नहीं, ये देखना है। मारा खून तो बहुत ठंडा है। लगता है मारा आखिरी दिन है। 10 मिनट में मारा फोन नहीं आया तो एम्बुलेंस भिजवा देना, नहीं तो मेरी लाश धतूरे के पेड़ के नीचे मिलेगी। ओ राजा बापू, कॉल सेंटर से किसी का फोन आ गया क्या? नहीं, एक भटके हुए को रास्ता दिखा रहा था ससुर जी। ससुर जी? हाँ। ससुर जी सुनते ही मेरे पूरे बदन में सुरसुरी आ गई। ससुर जी रिपीट टेलीकास्ट। गला अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। तुम्हारी शादी तो कैलाश पर्वत पे करूंगा। तुम दोनों की शादी के लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिर्फ एक छोटा सा लोचा है बस। जब तक वो लोचा सॉल्व नहीं होता ना, शादी पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्या बोलता है तू? अरे आपका लोचा मारा लोचा है, बताओ क्या बात है? जाने दे, तू प्रिया को बोल देगा। मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा, मुझको मेरी कसम। न्यूज व्यूज सोशल मीडिया देखता है कि नहीं? आजकल शहर में किडनैपिंग का बाजार बहुत गर्म है। वही तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा, थारे जैसा रक्षक होते हुए कोई पकड़ में आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सारा किडनैपिंग कोई और नहीं, मैं ही करता हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा, वो MLA और बाकी लोगों की किडनैपिंग मैंने ही करवाई थी। ये प्लान एकदम फाइनल स्टेज पर है। अगर ये सक्सेस हो गया ना तो सारे टेररिस्टों को येरवड़ा जेल में डाल के चक्की पिसवाऊंगा। कौन सा प्लान ससुर जी? बताता हूँ। अपने डिपार्टमेंट के आदमियों से बिग शॉट को किडनैप करवाएंगे। किडनैपर्स यही सोचेंगे कि हम कहीं और बिजी हो गए, वो फिर किडनैप करेंगे। इस बार उन्हें पैसे नहीं बुलेट मिलेगी। लेकिन इस काम के लिए मुझे कोई भरोसे का आदमी चाहिए, अपना घर का। मारे को तुम क्या अपना नहीं समझते ससुर जी? मैं हूं ना। तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे बस और ट्रेन दोनों की बात है, अभी उठा के लाता। पर इसके लिए आपने परमिशन तो ले लिया ना? इसे परमिशन के बिना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मिशन है। उठा के लाऊंगा, शादी करूंगा। नारे लगा जाए ससुर जी। सर आपने उसे ये कह के उल्लू बनाया कि किडनैपिंग आप करवा रहे हैं, उसके दिमाग की मोमबत्ती नहीं जली क्या? बत्ती जलने के लिए उसके पास दिमाग होना चाहिए ना। सर वैसे मेरे दिमाग में भी मकड़ियों ने जाले बना दिए। एक पत्थर से कभी दो पंछी मारे हैं क्या? ये मेरी बेटी से प्यार करता है, ये बात जब मुझे पता चली तब मेरा दिल किया कि पूरी मैगजीन इसके अंदर उतार दूं। अरे पण कसा करणार, मेरी बेटी भी इसके ऊपर लट्टू है ना। ऊपर से मिनिस्टर का टेंशन, किडनैपर को पकड़ो पकड़ो, किडनैपर नाक का बाल है क्या, उंगली डाल के पकड़ू। समझ गया सर, मतलब बच्चा उसका होगा पर नाम रोशन वो आपका करेगा। सर आप दिमाग के लिए कौन सी टॉनिक लेते हैं, मुझे भी बताइए, मैं भी लूंगा। ए शाहरुख, इसने अपनी बात सुन ली क्या? मुझे नहीं लगता। ससुर जी, बाबा कलयुग यामी की अभी अभी आकाशवाणी हुई, अगर मैंने ये किडनैपिंग कर दी ना तो मैं नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। किसी और से करा लीजिए प्लीज। सॉरी। ए मेरे को फोन लगा, जल्दी फोन लगा। हेलो, वो मिशन कैंसिल कर देना, मैं अभी के अभी रेसिग्नेशन दे रहा हूँ, अभी गांव जाके भैंस से चराऊंगा। ए अरे भैंस का दूध बेचूंगा ना मैं। ससुर जी मैं तैयार हूँ। सॉरी, तैयार हूँ सर। तेरे पे भरोसा नहीं है, वाणी फिर से आ गई तो? वाणी पे मैं पानी फेर दूंगा सर। प्रिया के पास जाऊं? क्या बोला? हाँ, सर इस मिशन के 3 रूल अपने भेजे में घुसा ले। नंबर 1, जिसे भी तो किडनैप करेगा ना वो बड़े बाप का होना चाहिए। नंबर 2, कम से कम 1 हफ्ते तक पुलिस के हाथ मत आना, अगर मैं भी बोलू ना तो भी कान का दरवाजा बंद। 1 हफ्ता क्या, 1 घंटे पे पकड़ा जाएगा ये। और तीसरी बात, मेरा टेम्परेचर मत बढ़ाना। मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा ही होने वाला है, मरना पड़ेगा। समझ गया सर। आज मैं तुला नया नाम दे तो रन राजा।
रन राजा, रन। चल जा अभी। हाँ मंत्री जी, हाँ 9 तारीख को एंगेजमेंट फिक्स। हाँ उस दिन दांडी मारूंगा मैं। बकरे का फोन आ रहा है। 9 तारीख को लाल कर दिया। अरे राजा भाव। ससुर जी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, रन राजा। अपना मिशन शुरू किया कि नहीं? शुरू क्या, खत्म भी कर दिया, कर लिया किडनैप। अरे वाह वाह वाह, कौन है वो खुश नसीब? अरे जब अपनी थाली इतनी बड़ी है तो यहाँ वहाँ छेद क्यों करना, सीधा कमिश्नर की बेटी को उठा लिया। कमिश्नर, क्या नाम है उसका? बहुत बड़ा कमिश्नर है, कमिश्नर गिर पड़े। तुझे मारी, ये बहुत गर्म है। हेलो बास, क्यों आ रही फोन में से? हो गए हो क्या? मुझे किडनैप क्यों किया? अब थारे को नहीं बता सकता, टॉप सीक्रेट है। शादी से पहले इस बंधन में बांधने की परमिशन थारे बापू ने दी है। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? कहना क्या चाहती हो? अपने फाइनल एग्जाम्स के बाद मैं पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, और उसी वक्त पापा ने मेरी शादी मिनिस्टर के बेटे से तय करवा दी। उससे बचने के लिए मैंने झूठ बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर पापा को पता चल गया तो मेरी डोली नहीं बल्कि अर्थी उठेगी। ए, एक फाड़ू आइडिया है। किसी से प्यार का नाटक कर और पापा को बोल कि सच्चा प्यार हो गया है, फिर उसे यूज करके छोड़ दे। हाँ, फिर तेरी लाइन क्लियर। ए प्रिया, किस उधेड़बुन में है? इस शुभ काम के लिए बकरा कहाँ मिलेगा? नाम है राजा, पर लड़कियों के मामले में लकीर का फकीर है। जब सब कुआरे मरे थे ना, तब ये पैदा हुआ था। एकदम परफेक्ट है। yes! मुझ बावले आशिक की हाय लगेगी उसको। ये बकरा नहीं बैल है, तू बस इसे सेट कर ले, ये तेरे बाप को उछल के सींग मारेगा। तो ठीक है, मैं इसे घास डालती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। 3, 2, 1, ठोक डाल। मारी गाड़ी पीछे से ठोक रहा है। पीछे कर, पीछे कर। हटा हटा हटा। वैसे भी तुम्हें ब्रेकअप की आदत पड़ चुकी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? इसीलिए मैंने झूठा नाटक किया और तुम फंस गए। कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए तुम्हें बकरा बनाया। बकरा बनाया? अच्छा, सिर्फ बकरा नहीं, बलि का बकरा। पर बलि मारी नहीं चढ़ेगी। हेलो राजा। ससुर जी बात सुन, मेरी बेटी को कहाँ छुपाया तूने? थारी बेटी ने मारा दिल तोड़ दिया है, पर मैं थारा दिल ना तोड़ू, क्योंकि तोड़ा तो तुम मारे को नहीं छोड़ोगे। याद है ना क्या कहा था? मैं पहले वाला राजा नहीं, रन राजा हूँ। मैं बुलेट ट्रेन से तेज और प्लेन से ऊंचा उड़ता हूँ। गया तो धमकी नहीं, तुम ही चाहते थे ना कि हाथ में ना आऊं। ए राजा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बी प्राउड ऑफ मी, नहीं आऊंगा हाथ में। राजा फालतूगिरी मत कर। ससुर जी बोल बचन की दुकान अब यहीं पर बंद करते हैं। अबे तेरी, ज्यादा देर बात करूंगा तो आप मुझे ट्रेस कर लेंगे। आप बहुत शाणे हो, पर मैं ढेर शाणा हूँ। रन राजा।